तलहा विलास एंड किचन की तरफ से सलाम और आदाब। आज मेरे तलहा छोटे बेटे की बर्थडे है तो मैं आज बारबेक्यू कर रही थी, तो उसमें मटन भून रही थी और थोड़ा चिकन भूनूंगी और मंदी बनाऊंगी, चिकन की मंदी और चना ग्रास बनाऊंगी। अब मैं शुरू करती हूँ पहले रेसिपी। मैं गोश्त भून रही हूँ, उसमें मैं क्या करूँगी, मैंने 1.5 किलो गोश्त ली थी, उसमें मैंने पपाई को पूरा छिलके के साथ काट के धो के मिक्सी में बारीक पेस्ट बना ली थी, उसी में मैं 2 चम्मच पपाई का पेस्ट डालूंगी और नमक डालूंगी और आधा किलो लहसुन डालूंगी, 2 चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर मिलाएंगे। अब मैं इसको अच्छी तरीके से इसको मिला दे के मैं 4 घंटे के लिए रखूंगी, क्योंकि हमारी पपाई अच्छी लगना है, गोश्त भी गले जाना है पपाई से। उसके बाद के पूरे मसाले मैं आपको बता दूँ। जो पपाई मिर्ची नमक हल्दी एक लहसुन जो डाली थी मैं, वो सब मिल चुके हैं। अब मैं इसको 4 घंटे के लिए बाहर रखूँगी। उसके बाद मैं आपको मसाले बताती हूँ। हमने जो गोश्त को मसाला लगा के रखे थे मिर्ची नमक, उसका मैं ये मसाले मिला रही हूँ पीस के। उसके अंदर मिलाने के लिए मैंने दही ली हूँ, अब उसके अंदर मैं क्या करूँगी, ये तली हुई प्याज है, ये प्याज और ये खोपरे को भून के ये काजू बादाम और ये हरा मसाला, ये सब चीज़ों का मैं एक पैन पेस्ट बना लूँगी। ये एक हो गया। अब ये दही के अंदर हम क्या करेंगे, कबाब चीनी डालेंगे 1.5 चम्मच, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, हम नमक डाले थे गोश्त में थोड़ा सा डालेंगे इसमें और मिर्ची पाउडर डालेंगे वो भी डाले थे हम, हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ी काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करके रखेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पेस्ट बना देके हम वही मसालों में हम उसको मिलाएंगे, ये पीस के हम आपसे मिले। हम जो खोपरा वो काजू बादाम जो हम बताए थे हम आपको, वो पूरा पेस्ट बन चुका है, मैं वो पूरा ये इसी में पूरा शामिल करूँगी। अब ये मसाला जो मैं मिला के रखी हूँ, अब मैं इसको मटन को भी यही मसाला लगाऊंगी और चिकन जो है हमारा उसमें यही मसाला लगाऊंगी। हम जो मंदी बना रहे हैं वो मैं न्यू स्टाइल में बना रही हूँ, उसी मैं कुकर में क्या करूँगी, तेल डालूंगी, हम ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, उसी में मैं थोड़ी तली हुई प्याज डालूंगी। उसी में मैं क्या करूँगी, टमाटो प्यूरी है, ये बड़े टमाटे थे मेरे 2 डाले हूँ, हम इसको ज़रा तेल छूटने तक भुनेंगे। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूंगी 1/2 टीस्पून, नमक डालूंगी 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डालूंगी, लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी 2 टीस्पून, 2 सूखी मिर्चियाँ डालूंगी, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालूंगी, थोड़ी काली मिर्ची पाउडर डालूंगी। मैं सौटे करूंगी इसको, अच्छी तरीके से मिला लूंगी। अब मैं इसमें ये ऑरेंज कलर जो बिरयानी का रहता है वो कलर डालूंगी। हमारा कलर अच्छा आ चुका है। अब इसमें मैं क्या करूँ, शिमला मिर्ची डालूंगी, बटाने डालूंगी, आलू डालूंगी, मैंने काजू बादाम का पाउडर बना ली थी मैं, वो भी इसी में शामिल करूंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी,
थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। हमारी तरकारी में सब पक चुकी है। अब मैंने ऐसे पीसेस ली थी और उसको ऐसी तरीके से कट मारी थी, वो इसी में मैं शामिल करूंगी। इसके बाद हम इसको 3 सीटी देंगे। मैं जो चना की दाल का मीठा बना रही हूँ उसके लिए दूध गर्म के लिए रखी थी मैं। गर्म हो चुका है मेरा दूध। अब मैं इसमें 4 टीस्पून शक्कर डालूँगी। चना की दाल है, मैंने वेनिला का ली थी मैं। अब मैं ये पैकेट है, पैकेट के साथ इसमें शामिल करती हूँ। दूध डाल रहा है उसी में मैं ये पाउडर डालूंगी, पूरी पैकेट डालूंगी। हम इसको 5 मिनट पकाएंगे। पूरा पाउडर मिल चुका है, आप लोग देख सकते हैं हमारा दूध पक रहा है। मैं वो जो डाले थे हम पुडिंग के लिए, मैं सिर्फ 2 मिनट पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसको डब्बे में शामिल कर दूंगी। मैं चूल्हा बंद कर चुकी हूँ, अब मैं इसको डिश में शामिल कर डिश में 2 घंटे के लिए रखूंगी। हमारी ये पुडिंग पूरी जम जाने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। जो मैं मटन को मसाला और पपई लगा के रखी थी वो गल चुका है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से गल चुका है गोश्त। अब जो हमने वो पेस्ट जो बना के रखा था मैं वो पेस्ट इसी में शामिल कर दूंगी पूरा। थोड़ा धनिया पाउडर मैं भूल गई थी डालना, धनिया पाउडर डालूंगी इसी में। मैं तेल डालूंगी थोड़ा। अब ये मसाला मैं पूरा मिला चुकी हूँ उसको। अब मैं इसको 4 घंटे के लिए ये पूरा मसाला लगा के रखूंगी। मैं जो चिकन को भी भून रही थी तो चिकन में भी मैं क्या करूँगी, थोड़ा नमक डालूँगी, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा तेल डालूँगी। इसको मैं पूरा मिक्स कर लूँगी। हमने जो मसाले पीस के रखे थे वो मसाले के अंदर मैं थोड़ा रेड फूड कलर मिलाऊंगी। मैं इसमें ये तंदूरी मसाला डालूंगी, पूरी पैकेट डालूंगी। अभी मसाला पूरा मैं चिकन को लगाऊंगी। हम इसको तल नहीं रहे हैं, खाली भून रहे हैं, तो मैं इसमें अंडा और इसमें कुछ भी नहीं शामिल करूंगी, सिर्फ ऐसा ही ग्रेवी से। मैं इसको पूरा मिक्स करके बताती हूँ। 1 स्पून नींबू का रस डालूंगी, 2 मैं मसाला लगाई थी वो इसमें डिश में ट्रांसफर कर चुकी हूँ। अब मैं भी इसको गोश्त के साथ 4 घंटे रखूंगी। हमने जो मंडी का चिकन गलने के लिए छोड़े थे वो गल चुका है, वो ऐसा हो गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, चूल्हे पे हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। हमारा चिकन अच्छा गला है। मैं पूरे चिकन को ऐसे ही तरीके से पूरा भून के आपको बताती हूँ। मैं ये चिकन को भून ली हूँ पूरा, मैंने जो जितना चिकन निकाला था पूरा चिकन भून ली हूँ। अब मैं आगे चलती हूँ आपको स्टेप बताने के लिए। हमने जो तरकारी उबाली थी वो तरकारी भी उबल चुकी है चिकन के साथ। अब इसी में मैं ये चिकन जो हम भुने थे वो चिकन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहनों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे बच्चे को दुआ में याद रखिए, क्योंकि उन्होंने 10th का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं उन्होंने तलहा।
हमारा चिकन पक चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस पर मैं थोड़ा हरा धनिया डाल दूँगी, थोड़ा कोथमीर पुदीना एक चार हरी मिर्चियाँ ऐसा डाल दूँगी। आप देख सकते हैं पूरा जूसी अच्छा हो गया, लपट गया है पूरा। मैं आगे स्टेप बताती हूँ। हमारी पुडिंग बन चुकी है तो मैं इसमें से दो पीस कर दी हूँ। अब ये दोनों के बीच में मैं ये कैडबरी चॉकलेट डालूंगी, पानी में घुलाई थी मैं इसको। मैं कैडबरी चॉकलेट को पूरा ऐसा फैला ली हूँ, करके रखी थी मैं पीस, वो इसी पर रख शामिल कर दो, इस पर रख दो। कैडबरी चॉकलेट ऐसा डालेंगे। मैं गोश भुनना स्टार्ट करी हूँ। मैं शेहों को ऐसे गोश लगाऊंगी। गोश हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है और मसाला भी अच्छी तरीके से लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे लगाई हूँ ये शेहा, अब मैं पूरे शीखा ऐसे लगाऊंगी और पहले कोयले से लगाऊंगी। हमारे कोयले से लग चुके हैं, अब मैं शीख लगाऊंगी इसमें। मैं शीख लगा दी हूँ, चार शीखे हैं। अब मैं इसको रखूंगी थोड़ा भुने गए तक। आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से भुने जा रहा, मैं इधर से उधर पलटा के भुन रही हूँ। हमारा गोश्त भुन चुका है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार हुआ, बहुत लजीज हुआ है। हमारा गोश्त भुन चुका है, मैं शीट में से निकाल रही हूँ गोश्त, बहुत आसानी से निकला है गोश्त। हमारा गोश्त गला भी है अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। देखिए गोश्त भी अच्छा गला है। हो चुका है पूरा शीखा हो गया उसके, तो मैं चिकन भुनना शुरू करी हूँ ऐसा, वो भी शीखों में ऐसा लगा के उसको भी भूनूंगी। मैं ये चिकन को लगाई हूँ, ये भी भुने जा रहा है, कलर बहुत प्यारा आया है चिकन का। हमारा चिकन भुनने जा रहा है, मैं इसकी भी शीख लगाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं कलर बहुत प्यारा आ रहा है। मेरी बहनों, मेरे व्यूवर्स, एक दफ़ा ट्राई कीजिए मेरे तरीके से आप लोग भी आर रेसिपी को। मेरा गोश्त का मसाला थोड़ा बच गया था, मैं ये गोश्त भुने हुए गोश्त के अंदर मैं ये मसाला छोड़ूंगी। और इसी में मैं तेल डालूंगी, एक बड़े टीस्पून से तीन टीस्पून डालूंगी। मैं थोड़ा ग्रेवी के वैसा रख रही हूँ ये, मैं इसमें पानी छोड़ूंगी, थोड़ा पानी डाली हूँ इसमें, और मैं नीचे ऊपर कर दूंगी इसको। और इसी में मैं ये बटर डालूंगी और इसको मैं भाप दूंगी। कोयले बहुत अच्छे से लगे हैं बहनों, इसी पर मैं थोड़ा तेल डालूंगी। भुन चुका है,
है, देख सकते हैं आप लोग, गला भी अच्छा है। पूरा छोटा चिकन भी अच्छा भुन गया। मसाला जो डाली थी उसको मैं इसे कोयलों पे रखूंगी, थोड़ा सा इसका पानी सूखना है। अब जो ये हमारे चिकन का मसाला ग्रेवी जो बची थी मैं इसके ऊपर ये भी डाल दूंगी। इसमें भी तेल डालूंगी एक टीस्पून और इसमें बटर डालूंगी। अब इसको भी भाप दूंगी। आप लोग देख सकते हैं पूरा कितना छूटा है इसका तेल का। अब मैं इसको निकाल दूंगी। घीवा दे रही हूँ, अब थोड़ा पानी तेल बटर डाल के मैं इसको भाप दूंगी थोड़ा। हमारा चिकन भी पक चुका है, साइडों से पूरा तेल छूट चुका है। अब मेरे हिसाब से ये चिकन कंप्लीट हो चुका है। मैं मंदी के लिए अदहन डाल के रखी थी, अब मैं कोयलों पे मंदी को दम दूंगी। अब ये अदहन आए तक मैं कोयलों पे रखूंगी। अब अदहन आने के बाद मैं आपको बताऊंगी। हमारा अदहन आ चुका है मंदी का, मैं इसमें चावल डालूंगी। हमारी मंदी दम होने को आ गई है, के साथ मैं रेडीमेड पराठे बना ली हूँ। मैं कलर मिला रही हूँ येलो कलर। उसी के साथ इसको भाप भी दूंगी। मैं दब दूंगी कोयलों पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तीन जगह से पकड़ो, तीन तरफ से पकड़ो, तीन कोने पकड़ो।